आगे बढ़ते हैं। पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद पूरे कश्मीर का दौरा इस वक्त कर रहे हैं। बारामूला में आजाद ने जनसभा को संबोधित किया और आर्टिकल 370 पर गुप्कार गैंग के झूठ को बेनकाब कर दिया। तो वहीं आजाद ने कांग्रेस नेताओं पर भी जमकर हमला बोला और 10 दिन में नई पार्टी बनाने का ऐलान भी कर दिया। देखिए, कांग्रेस से राहें जुदा कर गुलाम नबी आजाद अब कश्मीर में स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं। कश्मीर के बारामूला में गुलाम नबी आजाद ने बड़ी जनसभा को संबोधित किया और आर्टिकल 370 पर गुप्कार गैंग को निशाने पर लिया। गुलाम नबी आजाद ने दो टूक शब्दों में कहा कि आर्टिकल 370 कश्मीर में वापस नहीं लौटेगा। कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ बगावती तेवर दिखाकर पार्टी छोड़ने वाले आजाद ने नई पार्टी बनाने का भी ऐलान किया। 73 साल के आजाद ने कहा कि 10 दिन में नई पार्टी का ऐलान करेंगे। हालांकि पार्टी के नाम पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, इतना जरूर कहा कि लोगों से राय शुमारी कर नई पार्टी का नाम तय किया जाएगा। कांग्रेस से आजाद के अलग होने के बाद पार्टी के नेता लगातार गुलाम नबी के खिलाफ हमलावर है। वहीं गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेसी नेताओं को रिमोट कंट्रोल से चलने वाला बताया। करीब 52 साल तक कांग्रेस में रहने वाले गुलाम नबी आजाद ने 26 अगस्त को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और अब नई पार्टी बनाकर वो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी करने की तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।